नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और फ्रेश वीडियो में। आज दोस्तों हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए MIUI के बहुत ही ज़्यादा कमाल कमाल के थीम्स। और भाई साहब, ऐसे थीम्स लेकर के आया हूँ जो शायद ही आपको किसी ने दिखाए होंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम इस मंथ के टॉप 5 MIUI थीम्स की, साथ ही में यहाँ पर जो है एक एक्स्ट्रा बोनस थीम भी आप सभी के लिए अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखें दोस्तों, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मेरे चैनल को भी यहाँ पर बूस्ट मिलने में हेल्प होगी। तो आशा है आप लोग ऐसा करेंगे, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं यहाँ पर फटाफट से थीम्स की तरफ। बढ़ते दोस्तों अपने पहले थीम की तरफ, SR Line UI VIP। जी हाँ दोस्तों, पहले ये पेड थीम था लेकिन अब आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है। सारे थीम्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, तो आप एक नज़र जरूर मार लेना अगर आपको डाउनलोड करने हो। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है ये वाला थीम, जहाँ पर आप देख सकते हो इसका टोटली लुक। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा और नियॉन लुक देता है। साथ ही में अगर बात करें यहाँ पर सेटिंग के अंदर भी, तो सेटिंग के अंदर भी कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इवन जो इसकी चार्जिंग है, चार्जिंग में भी आपको बहुत ही अच्छा एनिमेशन देखने को मिल जाता है। चलते हैं यहाँ पर बाकी चीज़ों की बात करते हैं। लॉक स्क्रीन की, यहाँ पर लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से सिंपल सी है वैसे, और इसके बाद लेफ्ट की तरफ यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बस इसकी खास बात यह है कि डार्क मोड और लाइट मोड दोनों में ये काम करता है, और लाइट मोड में मैं आपको एक बार ज़रूर से इसको दिखाना चाहूँगा। लाइट मोड में अगर दोस्तों इसको दोबारा हमें अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हमें फिर से इसको लाइट मोड पे देखना है, तो ये कुछ दोस्तों ऐसा दिखता है जब हम इसको लाइट मोड पे शिफ्ट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमें दोबारा एक बार ये अप्लाई करना होता है, और उसके बाद आप इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है कंट्रोल पैनल भी देखने में इसका। देखिए आप किस तरीके से काफ़ी जो इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा है। ऊपर की तरफ आप लोग थोड़ी सी चीज़ें और भी देख सकते हो, इसके आइकन्स वगैरह जो भी होगा। यहाँ पर फोकस उठा ले मेरे भाई। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो कि क्या कुछ देखने को आपको मिलता है, किस तरीके के आइकन है। वैसे डार्क मोड में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप इसको लाइट मोड पे भी चला सकते हो। तो ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट थीम, प्रोजेक्ट एक्स लाइन UI। जी हाँ दोस्तों, ये भी लाइन UI की तरफ से ही है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने में लगता है। मैं इसको फटाफट से अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। आप लोग देख सकते हो यार, काफ़ी अच्छा देखने में लगता है ये लाइट मोड पे। अगर आप इसको डार्क मोड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो डार्क मोड में आपको और भी भाने लगेगा। हालांकि जब डार्क मोड पे आप शिफ्ट करते हो तो ये पूरा ब्लैकआउट हो जाता है, जब आपको इसको मतलब रीअप्लाई करना पड़ेगा अगर आप डार्क मोड पे शिफ्ट करते हो। वहीं अगर बात करें बाकी चीज़ों की, तो सेटिंग की तरफ एक बार ही लेकर के जाना चाहूँगा, और सेटिंग का लुक भी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। तो इसी बात में दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है। तो ये कुछ था दोस्तों इस वाले थीम के अंदर। अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। नेक्स्ट थीम में दोस्तों हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है पिक्सी। जी हाँ दोस्तों, पिक्सी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का। अगर आपको मिनिमिस्टिक लुक चाहिए तो आप इसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। पिक्सी की बात करते हैं दोस्तों, तो पिक्सी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थीम लगता है देखने में। लाइव वॉलपेपर के साथ में आता है, और बात करें तो इसका क्लॉक डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। और ये थोड़ा सा ना ऐसे रिएक्ट करता है, मतलब मोशन इसके जैसा भी आप जायरो करोगे तो जायरो सेंसर भी को भी मोशन में काम में आता है। साथ में आप लोग देख सकते हो इसके लॉक स्क्रीन कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। टैप करने में ये ऊपर भी चली जाती है किसी किसी फ़ोन में, जब नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं ना यहाँ पे, तो ये अपने आप ऊपर चली जाती है, फिर आपको टैप करके उसको नीचे लेकर के आना पड़ता है। साइड में भी आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात करें इसके नोटिफिकेशन पैनल की फटाफट से, तो नोटिफिकेशन पैनल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हालांकि इसको डार्क मोड पे कर रखा है, लाइट मोड पे करोगे तो शायद आपको थोड़ी बहुत जो चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, देखिए कुछ ना कुछ चेंजेस मतलब आपको देखने को मिल जाएंगे डार्क मोड टू लाइट मोड और लाइट मोड टू डार्क मोड में यहाँ पर। वहीं अगर हम सेटिंग की बात कर लेते हैं, तो सेटिंग में यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट थीम की तरफ। नेक्स्ट थीम दोस्तों यहाँ पर हमारे स्टॉक UI लवर के लिए ड्रॉइड 12, जिसका नाम है। आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो दोस्तों किस तरीके का इसका लुक है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है देखने में। बात करते हैं दोस्तों इसके नोटिफिकेशन पैनल की, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पर देखने में लगता है। लेफ्ट साइड में हम करते हैं स्वाइप, तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी लॉक स्क्रीन मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है, एंड्रॉयड 12 की लॉक स्क्रीन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर करते हैं, तो लेफ्ट साइड के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हालांकि मेरे पास वेदर वाला ऐप नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया, मतलब ब्लॉक क्या कहते हैं डिसेबल कर दिया था, तो इस वजह से ये नहीं दिखा रहा, वरना आपके में प्रॉपरली काम करेगा। और जब आप इसको अनलॉक करते हैं दोस्तों, तो भाई साफ फील ही आ जाता है दोस्तों।
इसी के अलावा इसकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसकी सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड्रॉइड 12 आपको बाहर ही लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। अबाउट सेक्शन के अंदर भी आपको कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिल जाती है। उसी के बाद चलते हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट थीम की तरफ में, जो कि है दोस्तों यहाँ पर मिनिमल ब्लू VIP। जी हाँ दोस्तों, पहले ये पेड था लेकिन अब ये फ्री में देखने को मिल जाता है। सभी फाइल्स का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा। गाइस प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार आए हो चैनल पे। इसकी सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसका जो नीचे वाला ये बार है वो भी यहाँ पर ब्लू हो जाता है, और जैसे ही आप होम पे जाते हैं तो इसकी जो क्लॉक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने में लगती है। उसी के अलावा दोस्तों इसकी मतलब आप बोलेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी अच्छी देखने में लगती है। लॉक स्क्रीन भी आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। उसके बाद लेफ्ट राइट तो कुछ नहीं होता है, आप यहाँ से ऐसे अनलॉक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आप अगर इसकी भाई साहब बात करते हैं इसके कंट्रोल सेंटर की दोस्तों, तो कंट्रोल सेंटर तो क्या ही बताऊं दोस्तों, क्या ही लगता है देखने में। तो आप लोग देख ही सकते हो ब्राइटनेस वगैरह भी कंट्रोल आप डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो। लेफ्ट की साइड में मतलब डार्क मोड में भाई साहब काफ़ी ज़्यादा OP लगता है थीम यहाँ पर देखने में। उसी के अलावा चलते हैं यहाँ पर सेटिंग के अंदर, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इस साइड वाला, देखिए जरा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। कंपैटिबल है, वैसे थोड़े बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं क्योंकि 12.5 मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, और आप इसको MIUI 12 के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल जाती है, और ये भी कुछ इस तरीके से देखने को आपको मिलता है। तो बढ़ते अपने आखिरी थीम की तरफ यहाँ पर IP12। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सुना होगा आपने, और ये आईफोन से रिलेटेड थीम है, और मतलब उन्हीं का एक तरीके से आप कह सकते हैं। अगर आपको आईफोन का कुछ पसंद है तो इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो, काफ़ी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। राइट में देख लीजिए यहाँ पर कंट्रोल सेंटर, लेफ्ट में आपको ये नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है, और लॉक स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है चीज़। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है देखने में, और इसमें ना ऐसे अनलॉक नहीं होते, यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं, वही आईफोन वाला फील है। अगर आपको आईफोन चलाने की आदत है तो आईफोन में क्या होता है ऐसे नीचे से। उसी के अलावा सेटिंग की बात कर लेते हैं एक बारी, सेटिंग भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इतना आए हैं तो सेटिंग भी ज़रूरी है देखना। तो यहाँ पर सेटिंग आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं, और डार्क मोड और लाइट मोड में थोड़ा थोड़ा अलग अलग रिएक्ट कर दें सारे ही थीम। तो हम ये सारे ही थीम्स की यहाँ पर बात कर चुके हैं दोस्तों, जितने भी मैंने थीम बताए यहाँ पर SR लाइन प्रोजेक्ट X, उसके बाद पिक्सी मिनिमल ब्लू, उसके बाद IP12, और हमने ड्रॉइड 12 की भी बात यहाँ पर कर ली है। सो आई होप आपको ये सारी थीम्स पसंद आएगा। सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सभी थीम के आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में दोस्तों ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर भी मैंने थीम्स बताए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थीम्स है। Who are you? Okay.